दोस्तों कैसे हैं आप सब, मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हो चुका है 20 जून 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लग रहे हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों कोरोना काल में बाढ़ ने कई राज्यों की मुसीबत को और बढ़ा दिया है। जी किसी तरीके से कोरोना पर काबू पाने के बाद अब फिर से लोग परेशान हैं, वो भी बाढ़ के कारण। जी फिर वे दर दर भटकने को मजबूर हैं, कहीं खाना मिलना चुनौती हो रहा है तो कहीं पर रहने के लिए कोई जगह नहीं बची है। बाढ़ ने ऐसी तबाही मचाई है कि सभी सिर्फ दहशत में रहने को मजबूर हैं। जी बिहार के कई गाँव भी बाढ़ प्रकोप के आगे घुटने टेक चुके हैं। जी स्थिति विकराल दिखाई पड़ रही है लेकिन मदद कहीं भी नहीं हो पा रही है। दोस्तों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोमवार को दिल्ली जा सकते हैं। जी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली दौरे के क्रम में वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। जी उनके साथ केंद्र कैबिनेट और लोजपा के ताजा हालात को लेकर चर्चा होने की उम्मीद है। बताया जाता है कि जेडीयू की केंद्र कैबिनेट में कितने हिस्सेदारी होगी इस पर मंथन हो सकता है। जी दरअसल केंद्र कैबिनेट के विस्तार को लेकर पिछले कई दिनों से बिहार के सियासी गलियारों में जबरदस्त चर्चा हो रही है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने इसे लेकर बयान भी दिया था। उन्होंने कहा था कि एनडीए में शामिल घटक दलों को समानुपाती हिस्सेदारी तो मिलनी ही चाहिए, जेडीयू को भी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। आपको बता दूं कि जेडीयू खेमे में कई नाम आ रहे हैं, वैसे अभी ये क्लियर नहीं है कि केंद्र कैबिनेट में जेडीयू को कितनी सीटें मिलेगी। जेडीयू से दो केंद्र मंत्री तथा एक राज्य मंत्री मिलने की चर्चा जरूर पर है। सियासी गलियारों में चर्चा यह भी है कि बिहार में 17 सांसदों वाली बीजेपी को 5 मंत्री मिले हैं जबकि जेडीयू के पास भी वर्तमान में 16 सांसद है। दोस्तों पूरे देश में जिस तरीके से कोरोना महामारी ने उत्पात मचाया था वही हाल अब महंगाई डायन कर रही है। केंद्र की मोदी सरकार जहां लोगों को राहत और सहूलियत देने की बात कर रही थी वही सरकार अब जनता की जेब काटने में लगी हुई है। आम जन की गाड़ी कमाई टैक्स और बढ़ती महंगाई की भेंट चढ़ रही है। इसी के विरोध में शनिवार को पटना में ऑटो रिक्शा चालक संघ द्वारा विरोध जताया गया। ऑटो रिक्शा चालक संघ ने पटना में सरकार को घेरा और बैनर पोस्टर लेकर साल 2014 के पेट्रोल डीजल की कीमतों में 2021 की कीमतों की तुलना की गई। यह पेट्रोल डीजल के अलावा खाद्य तेल के दोहरे शतक लगाने का भी मुद्दा उछाला गया और रोजमर्रा के खाने की वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी की बात कही गई। ऑटो रिक्शा चालक संघ ने इस दौरान प्रधानमंत्री मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। इन दिनों कोरोना काल का हवाला देकर सरकार के खिलाफ किसी भी तरीके का विरोध प्रदर्शन नहीं किया जा रहा है। इसी बात का फायदा मोदी सरकार उठा रही है। विरोध के दौरान ऑटो रिक्शा चालकों ने अपना दर्द जाहिर करते हुए कहा कि हमारे बच्चे अच्छी एजुकेशन नहीं ले सकते क्योंकि इस वक्त कोरोना की वजह से सड़कों पर लोग कम हैं। हमारी पहले जो कमाई होती थी वह अब नहीं हो पा रही है क्योंकि पेट्रोल और डीजल के दाम जिस तरीके से बढ़ चुके हैं इससे लोगों की आवाजाही पर खासा प्रभाव पड़ा है। कोरोना काल में पहले ही हमारी कमर टूट चुकी है, अब सरकार हमारी कमर तोड़ने की कोशिश कर रही है। दोस्तों पूर्णिया जिला में आम के एक पेड़ की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी और लोगों की 24 घंटे निगरानी रहती है। दरअसल ये मियां जाकी आम का पेड़ है। जी हां इस पेड़ का नाम है मियां जाकी। ये दुनिया का सबसे महंगा आम माना जाता है। लोग बताते हैं कि एक आम की कीमत 21,000 तक की है। जी हां एक आम की कीमत 21,000 रुपए है। ये सुनकर आपको भी हैरानी होगी, दुनिया का सबसे महंगा आम जापान के मियां जाकी प्रांत में मिलने वाला आम है। जी पूर्णिया में इस नस्ल का एक लौता आम का 25 साल पुराना पेड़ है। जी पूर्णिया शहर के भट्टा दुर्गाबाड़ी स्थित पूर्व विधायक कॉमरेड अजीत सरकार के घर में दुनिया के इस सबसे महंगे आम का एक बड़ा पेड़ है। इस आम के बारे में कॉमरेड अजीत सरकार के दामाद विकास ने बताया है कि किसी के द्वारा पूर्व विधायक अजीत सरकार की बेटी को यह पेड़ गिफ्ट किया गया था और इसकी सुंदरता की वजह से इसे रखा गया था। लेकिन जब इसकी महत्ता और आम के बोली लगने की बात सामने आई तो फिर सुरक्षा के लिहाज से सीसीटीवी कैमरा लगा दिया गया और फिर लोगों को भी निगरानी करने के लिए रखा गया है, यानी कि अच्छा रखा गया है। उन्होंने बताया है कि बेटी के घर भरा रहे इसके लिए गिफ्ट के तौर पर दिया जाता है। यह साथ ही घर में हमेशा शुभ होता है ऐसी मान्यता है। दोस्तों बिहार एसटीईटी 2019 के लिए बड़ी खुशखबरी है। जी हां मंगलवार यानी कि 22 जून तक रिजल्ट आने वाला है। दरअसल एसटीईटी 2019 की परीक्षा में कुछ विषयों के रिजल्ट पेंडिंग रह गए थे, तकनीकी कारणों से उसकी डेट लगातार आगे बढ़ रही थी, लेकिन अब शिक्षा विभाग ने रिजल्ट देने की बात कही है। इसको लेकर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। शिक्षा विभाग के मुख्य अपर सचिव संजय कुमार के अनुसार बिहार बोर्ड के साथ इसे लेकर महत्वपूर्ण बैठक हुई है। इसमें एसटीईटी 2019 के
बाकी विषयों के रिजल्ट पर चर्चा हुई। इसमें आ रही तमाम तरीके की तकनीकी बाधाएं दूर कर ली गई है। उर्दू, संस्कृत और साइंस विषय के रिजल्ट पेंडिंग थे। इन विषयों का रिजल्ट अब 22 जून को पब्लिश किया जा सकता है। दोस्तों, लोजपा में मचे घमासान के बीच बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर महाचंद्र प्रसाद सिंह ने दावा किया है कि राजद यानी कि आरजेडी किसी भी वक्त टूट सकता है। पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को इसको लेकर एहसास हो गया है, इसलिए वे दिल्ली में बैठकर अपनी पार्टी को बचाने का प्रयास में जुटे हुए हैं। उन्होंने मीडिया से बातचीत करने के दौरान कहा है कि राजद में असंतोष की लहर है, राजद कभी भी बिखर सकता है, टूट सकता है। वरिष्ठ नेताओं की उस पार्टी में कद्र नहीं है, वे काफी अपमानित और महसूस कर रहे हैं। जो स्थिति है उसमें बिखराव को रोकना संभव नहीं दिखता। इस दौरान पूर्व मंत्री ने कहा कि लोजपा का टूटना दुर्भाग्यपूर्ण है। रामविलास पासवान के निधन के बाद इतनी जल्दी पारिवारिक कलह इस स्तर पर पहुंच जाएगी, इसकी कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों, भारत के महान धावक मिल्खा सिंह का कल निधन हो गया। जी हां, उन्होंने 91 साल की उम्र में चंडीगढ़ के पीजीआई अस्पताल में अंतिम सांस ली। जी, पिछले एक महीने से वे कोरोना से लड़ रहे थे। चार बार एशियन गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट मिल्खा सिंह को मई में कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जी, ट्रैक एंड फील्ड में कई रिकॉर्ड बनाने वाले इस दिग्गज को फ्लाइंग सिख कहा जाता है। उन्होंने ये नाम पाकिस्तान के तानाशाह शासक जनरल अयूब खान ने 1960 में उस समय धाकर एथलीट अब्दुल खालिक को रेस में हराने पर दिया था। जी, मिल्खा 1960 में ओलंपिक मेडल जीतने के भी बहुत करीब थे, लेकिन मामूली अंतर से वे चौथे स्थान पर रह गए थे। दोस्तों, बिहार के पटना शहर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां गंगा नदी में व्यक्तियों से भरी नाव पलट गई। इस नाव पर कई व्यक्ति सवार थे। दुर्घटना में कई लोग पानी में डूब गए हैं। ये दुर्घटना पटना के मनेर तथा सारण मेहरौली घाट के बॉर्डर के बीच गंगा नदी में हुआ है। दरअसल नाव पर रखकर व्यक्ति अवैध तौर पर बालू ले जा रहे थे। ये नाव पर वजन अधिक होने की वजह से दर्जन भर से अधिक मजदूरों से भरी नाव का बैलेंस बिगड़ गया तथा वह पानी में डूब गई। मिली जानकारी के अनुसार हादसे की जानकारी प्राप्त होते ही पुलिस प्रशासन में हंगामा मच गया। जिन्हें प्रशासन अफसर गोताखोरों के साथ गंगा के तट पर पहुंचे। कहा जा रहा है कि दर्जन भर से अधिक लोग लापता है तथा रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। यह नाव सारण के डेरीगंज से बालू लादकर कोयले वर की तरफ जा रही थी। इसी के चलते मनेर के गंगा नदी के बीच धार में नाव अचानक ही पानी में डूब गई। यह कहा जा रहा है कि नाव पर क्षमता से अधिक भार हो गया था, जिसकी वजह से उसका बैलेंस बिगड़ गया तथा वह डूब गई। दोस्तों, बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट हर खेत को सिंचाई के लिए सर्वे करीब 95% पूरा हो चुका है। बचे हुए हिस्से का सर्वे इस महीने पूरा होने की संभावना है। इसमें अधिकतर किसानों ने सरकार से सिंचाई के लिए बिजली से चलने वाले नलकूप की मांग की है। जिस सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट हर खेत को सिंचाई का सर्वे 18 जनवरी से शुरू हुआ था और इसे 100 दिनों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। कोरोना संकट की वजह से इसमें देरी हुई है, इसके लिए जल संसाधन विभाग को नोडल बनाया गया था। जल संसाधन विभाग के अलावा लघु जल संसाधन विभाग, ऊर्जा विभाग, ग्रामीण विकास विभाग और कृषि विभाग के अधिकारियों की टीम हर खेत को सिंचाई के सर्वे में जुटी हुई थी। यहां हर खेत को सिंचाई के सर्वे के अनुसार 11,20,988 हेक्टेयर खेती योग्य जमीन असिंचित है। जी हां, इन खेतों से जुड़े लगभग 38,83,000 किसानों ने बिजली से चलने वाले नलकूप की मांग की है। दोस्तों, लोक जनशक्ति पार्टी में सांसदों की टूट के बाद जनता दल यूनाइटेड ने बिहार कांग्रेस के विधायकों में टूट का दावा किया था। जी हां, जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता संजय सिंह ने कहा था कि कांग्रेस के कई विधायक उनके संपर्क में हैं और आगे आने वाले दिनों में कांग्रेस विधायक अलग हो सकते हैं। जेडीयू के इस दावे पर अब बिहार कांग्रेस के प्रभारी भक्त चरण दास से की गई प्रतिक्रिया सामने आई है। जी हां, पटना पहुंचे बिहार कांग्रेस के प्रभारी भक्त चरण दास ने विधायकों में टूट की सभी आशंकाओं को खारिज कर दिया। जी हां, बिहार कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास ने कहा है कि कांग्रेस विधायकों की टूट की बात बेकार और बेबुनियाद है। भक्त चरण दास ने कहा है कि नीतीश कुमार उनके अच्छे मित्र हैं, मैं उनसे संपर्क में हूं, तो क्या मैं जेडीयू में चला जाऊंगा? ऐसा नहीं होता। मंत्री अशोक चौधरी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, उनसे कई लोगों की बातचीत होती है, कई विधायक अभी भी उनसे रिश्ता रखते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि कांग्रेस विधायक अपनी पार्टी छोड़कर जेडीयू में चले जाएंगे।
दोस्तों हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की एनडीए से अलग होने की बात पर जीतन राम मांझी ने सफाई दी है। जी हां, उन्होंने इसे सिर्फ एक अफवाह बताया है। जी हां, पटना में हुई बैठक के बाद हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने साफ कर दिया है कि वह एनडीए का हिस्सा है और आगे भी बने रहेंगे। जी हां, उन्होंने कहा है कि कुछ लोग इसे लेकर भ्रम फैला रहे हैं। उन्होंने लोगों से इस तरह की बातों पर ध्यान न देने की भी अपील की है। जी हां, उन्होंने कहा है कि कार्यकर्ताओं की मेहनत और ईमानदारी की वजह से आज उनकी पार्टी की स्थिति काफी मजबूत है। जीतन राम मांझी ने पार्टी कार्यकर्ताओं की तारीफ करते हुए कहा है कि बिहार एनडीए में बीजेपी और जेडीयू के बाद उनकी पार्टी तीसरे नंबर पर है। दोस्तों पूर्णिया के बनमखी नगर पंचायत इलाके में लाखों की लागत से कई जगह पोर्टेबल और चलंत शौचालय बनाए गए थे। जी हां, लेकिन महज साल भर में ही रखरखाव के अभाव में शौचालय बदहाल पड़ा है। जी हां, लोगों का कहना है कि ना तो नियमित साफ सफाई होती है और ना ही इसका रखरखाव होता है। जी हां, चलंत शौचालय बनमखी चीनी मिल के अलावा कई जगह यूं ही खड़ा है। जी हां, इसके अलावा कई जगह लगाए गए पोर्टेबल शौचालय भी बंद पड़ा है। शौचालय के नाम पर लाखों करोड़ रुपए राशि का बंटवारा हुआ। जी हां, आम आदमी को कोई भी फायदा नहीं है। दोस्तों बिहार से नेपाल के बीच नई एनएच सड़क का निर्माण किया जाएगा। ताजा रिपोर्ट के अनुसार भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत भारत और नेपाल को इससे जोड़ा जाएगा। इसको लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी है, बहुत जल्द इसकी मंजूरी भी मिल जाएगी। यह खबर के अनुसार भारत नेपाल की सांस्कृतिक संबंधों की दूरी कम करने के लिए इस नई एनएच सड़क का निर्माण किया जाएगा। यह इस सड़क के निर्माण होने से दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, सुपौल, सीतामढ़ी, मोतिहारी और शिवहर जिले के लोगों को सबसे ज्यादा फायदा होगा। आपको बता दूं कि भारत नेपाल सीमा को क्रॉस करते एनएच 104 के उमगांव और सहरघाट से सेक्शन 1 और 2 की सड़क प्रारंभ होकर कलुवाई और रहिका में आकर समाप्त होगी। दोस्तों मानसून शुरू होते ही पूर्णिया के 82 अनुमंडल की नदियों में जलस्तर बढ़ गया है। ऐसे में कई नदियों में कटाव भी शुरू हो गया है। जी 82 के ताराबाड़ी गांव में इस बार फिर से कनकई नदी के कटाव का खतरा मंडराने लगा है। जी हालात यह है कि गांव का सरकारी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र भी कटाव की जद में आ गया है। कनकई नदी स्कूल के महज 5 मीटर दूर से बह रही है। जी ऐसे में लोग जल्द कटाव निरोधक काम करने की मांग कर रहे हैं। जी 82 अनुमंडल के ताराबाड़ी गांव का प्राथमिक विद्यालय ताराबाड़ी कनकई नदी में कभी भी समा सकता है। गांव का आंगनबाड़ी केंद्र भी नदी के कटाव के जद में है। स्थानीय गुलाम सरवर का कहना है कि 2017 और 2020 में कनकई नदी के कटाव के कारण इस गांव और आसपास में 100 से अधिक घर कटकर नदी में विलीन हो गए थे। 2020 में अमर के प्राथमिक विद्यालय नगर टोला भी कटकर नदी में समा गया था। इसके बावजूद भी इस इलाके में अभी तक कटाव निरोधक काम नहीं हुआ है। अगर जल्द यहां कटाव निरोधक काम नहीं किया गया तो फिर स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र समेत कई घर कटकर नदी में समा जाएगा। वहीं स्थानीय ग्रामीणों में से अख्तर और महफूज ने कहा है कि ताराबाड़ी गांव में सिर्फ कनकई नदी के कटाव के कारण सैकड़ों लोग बेघर हो गए हैं। कई लोग यहां से पलायन करके सड़कों के किनारे रह रहे हैं। यह पिछले साल जब भीषण कटाव हुआ था उसके बाद कुछ जनप्रतिनिधि और अधिकारी भी यहां आए थे। यह उन्होंने आश्वासन भी दिया था लेकिन कुछ नहीं हुआ। यह अगर समय रहते इसको नहीं रोका गया तो फिर इस बार ये सरकारी स्कूल, रोड समेत दर्जनों घर फिर से नदी में समा जाएगा। आपको बता दूं कि पूर्णिया के 82 अनुमंडल में 5 नदियां हैं, महानंदा, कनकई, परमान, दास और बकरा नदियां हर साल तबाही मचाती है। ये हर साल नदियों के कटाव के कारण सैकड़ों आसियाने और सैकड़ों एकड़ जमीन कटकर नदी में विलीन हो जाते हैं। यही हाल सीमांचल के चारों जिले का है, यानी कि पूर्णिया, किशनगंज, अररिया और कटिहार, इन चारों जिलों में नदी ने तबाही मचा रखी है। दोस्तों कई लोग डेबिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते हैं। जी हां, पैसों का कोई भी लेन देन करने के लिए बैंक में ही जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पैसे निकलवाने के लिए बार बार बैंक जाना आपके लिए महंगा पड़ सकता है। जी हां, दरअसल बैंक ने अपने ब्रांच से पैसे निकलवाने पर भी एक लिमिट तय कर रखी है। इससे ग्राहक तय समय में ही ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अगर आप पैसे निकलवाने के लिए बार बार बैंक ब्रांच जाते हैं तो फिर एक लिमिट के बाद आपको पैसे देने होंगे। जी ऐसे में जानते हैं कि बैंकों की ओर से कितने ट्रांजेक्शन फ्री में दिए जाते हैं और कितने ट्रांजेक्शन के बाद कितनी फीस देनी होगी। तो इसीलिए आज हम आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI के नियम बता रहे हैं, जिसके हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बैंक से कैश ट्रांजेक्शन की क्या लिमिट है। यह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI ने अमाउंट के आधार पर बैंक ब्रांच से विड्रॉल करके लिमिट तय कर रखी है। बैंक ने वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार बैंक ने 25,000 रुपए तक, 25,000 से 50,000 रुपए, 50,000 रुपए से 1,00,000 रुपए तक, 1,00,000 रुपए से ज्यादा की कैटेगरी के आधार पर लिमिट तय की गई है। अगर
तय लिमिट के बाद भी ग्राहक ट्रांजेक्शन करते हैं तो उन्हें फीस का भुगतान करना होता है। इसके बाद बैंक 50 रुपए प्रति ट्रांजेक्शन के आधार पर चार्ज लेता है। इसलिए कोशिश करें कि बैंक में जाकर ट्रांजेक्शन करने के बजाय एटीएम या फिर इंटरनेट बैंकिंग का सहारा लें, यानी कि एटीएम और इंटरनेट बैंकिंग का आप इस्तेमाल करें। दोस्तों बिहार में अब बीडीओ सीओ एसडीएम और थानेदारों की पोस्टिंग में भी महिलाओं को 35% आरक्षण मिलेगा। जी हां, नीतीश कुमार के आदेश के बाद सरकार ने सभी संबंधित विभागों को पत्र जारी कर दिया है। जी हां, विभाग से सूची मांगी जा रही है कि इन पदों पर फिलहाल कितनी महिलाओं की पोस्टिंग की गई है। बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने नीतीश कुमार के आदेश के आलोक में यह पत्र जारी किया है। जी हां, विभाग के संयुक्त सचिव की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि नीतीश कुमार के साथ निश्चय पार्ट 2 में महिलाओं को सशक्त करने का फैसला लिया गया था। इसी बात को लेकर पिछले मार्च महीने में ही 7 निश्चय योजना की समीक्षा के दौरान यह तय किया गया था कि स्थानीय प्रशासन में महिलाओं को पर्याप्त स्थान दिया जाए, यानी कि बीडीओ सीओ एसडीएम और थानेदार जैसे पदों पर ट्रांसफर पोस्टिंग में महिलाओं को 35% प्रतिनिधित्व दिया जाए। दोस्तों बिहार में शिक्षक बहाली प्रक्रिया को लेकर बिहार सरकार ने अब एक और बड़ा फैसला ले लिया है। जी 6ठे चरण के तहत बिहार के हाई स्कूलों में 30,000 शिक्षकों की बहाली का अधिकार अब जिला परिषद परामर्श समिति को दे दिया गया है। पंचायत चुनाव होने तक के शिक्षकों की नियुक्ति का अधिकार परामर्श समिति के पास रहेगा। इस संबंध में शिक्षा विभाग ने शुक्रवार को ही अधिसूचना जारी कर दी है। शिक्षा विभाग की तरफ से उप सचिव अरशद फिरोज ने शुक्रवार को इससे जुड़ी अधिसूचना जारी कर दी है। जिला परिषद के नियंत्रण में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति प्राधिकार और अनुशासनिक प्राधिकार नियमावली के तहत परामर्श समिति के अध्यक्ष जिला परिषद के अध्यक्ष होंगे। बिहार में शिक्षक नियोजन प्रक्रिया से जुड़े फैसले सरकार निरंतर ले रही है। जी हाई कोर्ट में मामला खत्म होने के बाद बिहार में शिक्षक बहाली प्रक्रिया में तेजी आई है। सरकार के इस नए आदेश के बाद परामर्श समिति को बहाली के अधिकार मिल गया है। दोस्तों बिहार बोर्ड इंटर में दाखिला के लिए आवेदन की प्रक्रिया आज से शुरू होगी। जी हां, छात्र वेबसाइट ofssbihar.in पर जाकर आज से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जी मैट्रिक पास बिहार बोर्ड के छात्र अभी से ही आवेदन कर पाएंगे। जी हां, बोर्ड द्वारा लिंक डाल दिया गया है। छात्रों को आवेदन करने का मौका 28 जून तक मिलेगा। जी हां, CBSE और फिर ICSE के 10वीं बोर्ड रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र फार्म भरेंगे। जी हां, ऑनलाइन आवेदन पूरी होने के बाद ही मेरिट लिस्ट के आधार पर प्रथम चयन सूची जारी की जाएगी। यह बोर्ड द्वारा ओएफएसएस वेबसाइट पर सामान्य आवेदन पत्र और सामान्य सूची पत्र डाल दिया गया है। आवेदन करने से पहले छात्र इसकी मदद ले सकते हैं। दोस्तों इन दिनों शादी बारात का सीजन चल रहा है। जहां शादी समारोह में अक्सर प्रेमिका विलेन बनकर आती है या फिर किसी मामले में पुलिस दखल देती है, लेकिन बिहार में इससे कुछ अलग हुआ। जी हां, गांव में बारात आई, बारात का स्वागत भी किया गया, रात में 7 फेरे भी हुए। जी हां, अगले दिन दुल्हन की विदाई की तैयारी की जा रही थी तभी अचानक गांव में बाढ़ का पानी घुस गया। अचानक गांव में बड़ी तादाद में पानी देखकर ग्रामीणों में हरकंप मच गया। जी बारातियों में खलबली मच गई। बाराती तो जैसे तैसे वापस जाने लेकिन अब दूल्हे को दुल्हन ले जाने की चिंता सामने आने लगी। गांव में पानी धीरे धीरे बढ़ रहा था, देखते ही देखते पानी से गांव लबालब हो गया। गांव में नाव उतारने लगी। दूल्हे को दुल्हन के साथ नाव में बिठा कर ले जाया गया। यह मामला सारण जिले का है। दोस्तों मुजफ्फरपुर जिले में कोरोना काल के दौरान संविदा पर नियुक्त कर्मियों की सेवा फिर से बहाल कर दी गई है। सिविल सर्जन ने निरस्त्रीकरण के आदेश को वापस ले लिया। कल देर शाम में ही इस मामले की जानकारी मिलते ही संविदा पर नियुक्त किए गए स्वास्थ्य कर्मी सदर अस्पताल पहुंचकर जमकर हंगामा किया। हंगामा ऐसा वैसा नहीं, जबरदस्त बवाल काटा। पुलिस को प्रदर्शनकारियों को शांत कराने के लिए लाठीचार्ज तक करानी पड़ी। यह नियुक्त किए गए स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा सदर अस्पताल का गेट जाम करके प्रदर्शन किया गया। इस दौरान भारी हंगामा हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस से नोक झोंक भी हुई। वहीं काफी समझाने के बाद भी लोग नहीं माने तो फिर पुलिस ने बल का प्रयोग करते हुए लाठीचार्ज किया। दोस्तों आम आदमी को अब आने वाले दिनों में बढ़ती महंगाई के लिए तैयार रहना पड़ेगा। यह पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम, कच्चे माल की कमी और सप्लाई चेन बाधित होने की वजह से रोजमर्रा के उपकरणों में आने वाली कई चीजों के दाम बढ़ने वाले हैं। यह खाने पीने से लेकर अन्य तरह की चीजों के दाम में पहले ही बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। यह कोरोना काल में लगे लॉकडाउन समेत अन्य प्रतिबंधों की वजह से कच्चे माल की सप्लाई पर खासा असर देखने को मिल रहा है। यही कारण है कि अब इनकी कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। लिहाजा आम आदमी को अब टीवी,
फ्रिज, एसी से लेकर लैपटॉप और मोबाइल फोन्स आदि के लिए पहले से ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। इस तरह के उत्पाद बनाने वाली कंपनियों का कहना है कि बाजार में कच्चा माल महंगा मिल रहा है और सप्लाई चेन भी बुरी तरीके से प्रभावित हुई है। उन्हें उत्पाद तैयार करने के लिए कई तरह की जरूरी कंपोनेंट उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, इसीलिए उनकी लागत बढ़ गई है। ऐसे में जुलाई महीने से ये कंपनियां अपने उत्पादों की कीमतों में बढ़ोतरी करने जा रही है। उनका कहना है कि कीमतें बढ़ना अब जरूरी ही नहीं बल्कि मजबूरी भी बन गई है। दोस्तों, कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। अब उन्हें काम के घंटों और दिनों में राहत मिल सकती है। जल्द ही हफ्ते में 5 दिन की जगह 4 दिन नौकरी करनी होगी और 2 दिन की जगह हफ्ते में 3 दिन छुट्टी रहेगी। देश में बने नए श्रम कानूनों के तहत आने वाले दिनों में हफ्ते में 3 दिन छुट्टी मिल सकती है। इधर केंद्र सरकार ने ट्रेवलिंग अलाउंस यानी कि TA क्लेम सब मिशन की समय सीमा 60 दिन से बढ़ाकर 180 दिन कर दी है। दोस्तों, LJP में जारी उथल पुथल के बीच RJD के नेताओं ने दावा किया है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार LJP में फूट के सूत्रधार हैं, यानी कि नीतीश कुमार ही LJP में फूट कराया है। जी हां, राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक ने कहा है कि नीतीश कुमार चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति कुमार पारस के बीच अलगाव के सूत्रधार है। जी हां, श्याम रजक ने कहा है कि अब संख्या का खेल पशुपति कुमार पारस के साथ है, लेकिन मुझे यकीन है कि लोजपा के पास कैडर आधारित वोट बैंक है जो चिराग का समर्थन कर सकता है, इसलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस साजिश में सफल हो सकते हैं, लेकिन लोगों का समर्थन चिराग पासवान के साथ ही रहेगा। उन्होंने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार की स्थिति NDA सरकार में स्टेपनी से अधिक नहीं है। वे बिहार के मधु कोरा है, जो कोरा झारखंड में एकमात्र निर्दलीय उम्मीदवार थे जो राज्य के मुख्यमंत्री बने। इसी तरीके से JDU एक ऐसी पार्टी है जो बिहार में 2020 में विधानसभा चुनाव के दौरान तीसरे स्थान पर आई थी, फिर भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद पर काबिज हैं। श्याम रजक ने कहा है कि JDU के कई विधायक RJD के शीर्ष नेतृत्व के संपर्क में हैं और बिहार में राजनीतिक समीकरण कभी भी बदल सकता है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद अब BJP की नेताओं की TMC में घर वापसी लगातार जारी है। यह खासी संख्या में BJP कार्यकर्ता फिर से TMC में जाने के इच्छुक हैं। TMC BJP से आने वालों का गंगा जल छिड़क कर शुद्धिकरण कर रही है। यह एक रिपोर्ट के मुताबिक राज्य के वीरभूम जिले के सेंथिया इलाके में 350 BJP कार्यकर्ताओं ने TMC कार्यालय के बाहर पिछले दिनों 4 घंटे धरना दिया। यह उनका कहना था कि उन्होंने BJP में जाकर गलती की है, TMC में उन्हें वापस लिया जाए। धरना पर BJP कार्यकर्ताओं का कहना था कि उनका धरना और अनशन TMC में वापस लिए जाने तक जारी रहेगा। दोस्तों, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने देश भर में अभी वाहनों के लिए POC सर्टिफिकेट यानी कि प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र बनाने और फिर POC डेटाबेस को राष्ट्रीय रजिस्टर्ड से जोड़ने की अधिसूचना जारी की है। इस नियम के बाद देश भर में एक समान प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र की शुरुआत होने जा रही है। इसके साथ देश भर में रिजेक्शन स्लिप का प्रावधान पहली बार किया जा रहा है। अगर किसी के वाहन का प्रदूषण स्तर तय मानकों से ज्यादा है तो फिर वाहन के मालिक को रिजेक्शन स्लिप दी जाएगी। इस स्लिप को वाहन मालिक को गाड़ी की सर्विसिंग के वक्त सर्विस सेंटर में दिखाना होगा। वहीं अगर प्रदूषण मापने वाली मशीन खराब है तो फिर वाहन मालिक किसी अन्य केंद्र में जा सकते हैं। दोस्तों, जून महीने में मानसून की शुरुआत के साथ बिहार के कई जिलों में भी बाढ़ का संकट देखने को मिल रहा है। यह नेपाल के तराई वाले इलाकों समेत उत्तर बिहार में हो रही लगातार बारिश की वजह से कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। नदियों के उफान की वजह से कई जिलों में बाढ़ का पानी ग्रामीण इलाकों में प्रवेश कर चुका है। यह चंपारण, गोपालगंज और मुजफ्फरपुर जिले में नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। उसी बूढ़ी गंडक, पुनपुन, घाघरा के साथ साथ कुछ जगहों पर अब धारा का जलस्तर भी बढ़ रहा है। गंडक नदी घाट में खतरे के निशान से 128 सेंटीमीटर ऊपर बह रही थी और अगले 24 घंटे में इसके जलस्तर में और वृद्धि की संभावना है। कोसी नदी नेपाल के अलावा वीरपुर के ऊपरी हिस्से और सहरसा में खतरे के निशान से ऊपर बह रही थी, जबकि कई जगहों पर बूढ़ी गंडक और बाघ नदी का जलस्तर भी बढ़ा हुआ है। गंगा नदी के जलस्तर में भी लगातार इजाफा हो रहा है। बिहार में बक्सर से लेकर कहलगांव तक गंगा का जलस्तर लगातार ऊपर जा रहा है। पिछले 24 घंटे में बक्सर में गंगा के जलस्तर में 98 सेंटीमीटर की बढ़त दर्ज की गई है।
दोस्तों लोक जनशक्ति पार्टी में चल रही मौजूदा उठा पटक के बीच कांग्रेस पार्टी अब चिराग पासवान के साथ खड़ी हो गई है। जी हां, कांग्रेस ने कहा है कि असली एलजेपी चिराग के नेतृत्व के साथ है। सांसदों ने भले ही तत्कालिक लाभ के लिए कोई फैसला लिया हो, लेकिन पशुपति पारस समेत जो सांसद एलजेपी से अलग हुए हैं उनका जनाधार भी खत्म हो चुका है और यह फैसला उनके लिए आत्मघाती साबित होगा। चिराग पासवान के साथ खड़ी कांग्रेस ने कहा कि रामविलास पासवान ने दलित राजनीति के तहत जिस पार्टी को खड़ा किया वह आज भी चिराग के नेतृत्व के साथ है। चिराग पासवान के साथ एलजेपी का केडर वोट खड़ा है, इस बात को कांग्रेस मानती है। बिहार कांग्रेस के प्रभारी भक्त चरण दास ने कहा कि चिराग पासवान बिहार की राजनीति के लिए एक बेहतर विकल्प हो सकते हैं। चिराग युवा है और उन्हें यह कहने में भी कोई गुरेज नहीं है कि बिहार के लिए वे एक अच्छे इंस्ट्रूमेंट साबित होंगे। ये पूछे जाने पर क्या कि चिराग पासवान को महागठबंधन में लाने के लिए कांग्रेस के साथ घटक के तौर पर जोड़ने के लिए पार्टी पहल करेगी, तो भक्त चरण दास ने कहा कि वे फिलहाल इस पर सीधे तौर पर कुछ भी नहीं कर सकते। ये चिराग पासवान इस बारे में क्या सोचते हैं ये देखना होगा। दोस्तों पूर्व सैनिक और मृत सैनिकों की विधवाओं एवं उनके बच्चों के कल्याण के लिए सरकार ने विशेष कार्य योजना तैयार की है। सरकार इन्हें उच्च शिक्षा और स्वरोजगार के लिए ऋण उपलब्ध कराएगी। जिन एजेंसियों में रोजगार कराने का भी अवसर मिलेगा उनके लिए इच्छुक लाभुक 30 जून तक जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारियों के कार्यालय में आवेदन जमा कर सकते हैं। जिला सैनिक कार्यालय पदाधिकारी ने बताया है कि PMGP प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत साक्षर लाभुक अधिकतम 50 लाख और 8वीं पास लाभुक अधिकतम 25 लाख का ऋण लेकर सूक्ष्म उद्योग लगा सकेंगे। इसमें 15-35% तक अनुदान मिलेगा। दोस्तों कोरोना के बाद बेपटरी हुई ट्रेन फिर से पटरी पर लौटने लगी है। जिन यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पश्चिमी रेलवे ने विभिन्न रूट्स पर स्पेशल ट्रेनों के फेरे में विस्तार किया है। इनमें से कई ट्रेनों की बुकिंग शुरू हो गई है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि पश्चिमी रेलवे ने 5 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के फेरे में भी विस्तार किया है, जिसके लिए पहले से रिजर्वेशन करना होगा और विशेष किराए के साथ ये चलेगी। रेल विभाग ने ज्यादा से ज्यादा संख्या में ट्रेनों को बहाल करने का फैसला लिया है, जिससे यात्रियों को किसी भी तरीके की परेशानी न हो। उत्तर पश्चिमी रेलवे ने ट्वीट करके बताया है कि 10 स्पेशल ट्रेनें अब फिर से पटरी पर दौड़ेगी। वहीं 8 स्पेशल ट्रेनों के फेरे में बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। अगर आपका भी कहीं सफर का प्लान है तो फिर आप इन ट्रेनों में भी बुकिंग करा सकते हैं। कोरोना के संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन लगाया गया था, इस दौरान ट्रेनें भी बंद करा दी गई। हालांकि जैसे जैसे मामले कम होते गए वैसे वैसे ट्रेनों का परिचालन धीरे धीरे शुरू किया जा रहा है। कई रूटों पर स्पेशल यात्री ट्रेनें चलाने का फैसला लिया गया है। भारतीय रेलवे ने बताया है कि यात्रियों की प्रवासी मजदूरों की आवाजाही और प्रतीक्षा सूची कम करने के लिए इस स्पेशल ट्रेनों की संख्या बढ़ाया जा रहा है। रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार कोरोना काल से पहले औसतन लगभग 1768 मेल एक्सप्रेस ट्रेन प्रतिदिन चल रही थी। दोस्तों कांग्रेस नेता राहुल गांधी 51 साल के हो गए हैं। गांधी नेहरू वंश परंपरा से आने वाले राहुल जीवन एवं राजनीतिक पारी उतार चढ़ाव से भरी हुई रही। जी परिवार में उनकी दादी और पिता की हत्या हुई, जबकि राजनीति में कांग्रेस का सुनहरा दौर एक तरह से समाप्त हो गया है। जहां राहुल गांधी विपक्ष के एक गंभीर नेता के रूप में खुद को स्थापित करने में लगे हैं। उन्होंने संसद से लेकर सड़क तक के मुद्दों के आधार पर सरकार को घेरा है। यह सरकार की नीतियों में खामी उजागर करते हुए वे उस पर हमलावर रहे। यूपीए सरकार के दोनों कार्यकालों में उन्होंने सरकार में कोई भी पद नहीं लिया। जिन्हें एक सांसद के रूप में वे अपनी जिम्मेदारियों को निभाते रहे। दोस्तों बिहार में स्वास्थ्य विभाग के अंदर हो रही बहाली को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से नीतीश सरकार पर हमला बोला है। स्वास्थ्य विभाग में मनमानी तरीके से हो रही बहाली और फिर उसे रद्द करने के फैसले को लेकर तेजस्वी यादव ने सरकार को घेरा है। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि बिहार में सरकार ने बहाली प्रक्रिया को मजाक बनाकर रख दिया है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके कहा है कि पहले नीतीश सरकार ने दीवार पर इश्तिहार चिपकाकर बिना आवेदन तारीख और योग्यता के पैसे लेकर 780 लोगों की नियुक्तियां की गई। उसके बाद जब मामला उजागर हुआ तो 15 दिन बाद बहाली रद्द करा दी गई। फिर एक दिन बाद उन्हें फिर से बहाल कर दिया गया, जिसको लेकर तेजस्वी यादव नीतीश सरकार पर आक्रोश हैं। दोस्तों शहरी यातायात को बेहतर बनाने के उद्देश्य से पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा 9 जगहों पर इंटरमीडिएट पब्लिक ट्रांसपोर्ट स्टैंड निर्माण का काम शुरू कर चुका है। मिशन के अंतर्गत कुल 10 जगहों पर IPT स्टैंड अगस्त महीने तक तैयार कर लिया जाएगा। ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, वैन, मिनी बस, सिटी बस आदि मध्यवर्तीय सार्वजनिक परिवहन की श्रेणी में आती है। शहर के एक हिस्से को दूसरे हिस्से से जोड़ने वाले अथवा शहर के एक हिस्से को परिवहन के मुख्य साधन जैसे रेलवे, बस, जहाज, हवाई जहाज, मेट्रो आदि से जोड़ने वाले वाहन मध्यवर्ती सार्वजनिक परिवहन कहे जाते हैं।
दोस्तों जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद वहां राजनीतिक गतिविधियां थम गई थी, लेकिन अब एक बार फिर से सियासी हलचल तेज होने की उम्मीद है। जहां जम्मू कश्मीर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 जून को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस सर्वदलीय बैठक में जम्मू और कश्मीर दोनों क्षेत्र के सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है। यह सियासी चर्चा यह है कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराए जाने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा कर सकते हैं। यह सूत्रों से आ रही बड़ी खबर के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बुलाई गई इस बैठक में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला, पीडीपी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के अल्ताफ बुखारी और पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद लोन को इस बैठक में आमंत्रित किया गया है। दोस्तों बिहार के बांका जिले के झिरुआ गांव की रहने वाली विनीता जब 2008 में शादी के बाद ससुराल आई तो एक आम गृहिणी की तरह उसने सिलाई कढ़ाई से लेकर तमाम दूसरी कलाएं भी सीख ली, लेकिन कुछ कर गुजरने की इच्छा ने उसे शांत नहीं बैठने दिया। विनीता ने 2012 में अपने घर से 300 किलोमीटर दूर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर मशरूम उगाने का प्रशिक्षण लेने पहुंची। जहां प्रशिक्षण के बाद उसने 5 बैग के साथ मशरूम की खेती शुरू कर दी। जहां आज कई पुरस्कार से सम्मानित होने के बाद विनीता की पहचान बिहार की किसान दीदी के तौर पर बन गई है। दोस्तों बिहार में नए नगर निगम इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बिहार सरकार नव गठित नए नगर निकायों में जल्द वार्ड का गठन करेगी, इसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। खबर के मुताबिक नए नगर निकायों के कार्यपालक पदाधिकारी वार्डो का परिसीमन करके रिपोर्ट तैयार करेंगे। इसके बाद इस रिपोर्ट को जिलाधिकारियों के पास भेजा जाएगा और नए वार्ड का गठन किया जाएगा, इसको लेकर अधिसूचना विभाग के द्वारा जारी किया जाएगा। आपको बता दूं कि 1000 से 1200 की जनसंख्या पर एक वार्ड का गठन किया जाएगा, इसको लेकर विभाग स्तर पर तैयारियां चल रही है। बहुत जल्द परिमिशन का कार्य पूरा हो जाएगा। अगले साल बिहार में 142 नगर निकायों के अलावा नवगठित 117 से अधिक निकायों में चुनाव होने हैं। जहां चुनाव से पहले विभाग के द्वारा वार्डों का गठन कर लिया जाएगा। दोस्तों आज का न्यूज बस यहाँ तक, कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।